अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र ऋषि औरव ने अपनी जांघों को रगड़कर और अग्नि उत्पन्न करके बनाया था। मैं एक दूसरी इकाई बनाता हूँ जो जरूरत पड़ने पर मेरे इस अकेले शरीर से सभी प्राणियों के लिए प्रलयकारी होगी, ऐसा ऋषि उरु ने अन्य ऋषियों से कहा। तब ऋषि उरु ने तपस्या के मंत्र में प्रवेश करते हुए दो अरणी छड़ियों को रगड़ा, उनसे अनुष्ठानिक अग्नि उत्पन्न की, दर्भाघास को अपनी जांग पर प्रज्वलित करने के लिए रखा और उसे वैदिक मंत्रों के साथ आग के समान पुत्र के लिए एकनिष्ठ समर्पण के साथ प्रज्वलित किया। तभी अचानक ऋषि उर्वा की जांग को चीरती हुई एक शक्ति प्रकट हुई जो ईंधन रहित ज्वालाओं से गिरी हुई थी और ब्रह्मांड को जलाने के लिए तड़प रही थी। ऋषि उरु की जांग से निकली उस सर्वव्यापी अग्नि को और्य अग्नि कहा जाता है। एक अत्याधिक अग्नि, प्रचंड अग्नि, तीनों लोकों को भस्म करने में सक्षम,